आप देखिए क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 और 7.4 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा इसमें, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है इन फिगर। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखिए साइड्स ए बी एंड ए सी, इसमें जो ए बी साइड है ये और ये ए सी, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्राइंगल बना है, आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। तो इसको ए बी को एक्सटेंड किया गया है, या एक्सटेंड का मतलब क्या, तो बढ़ाया गया कहाँ तक, पी तक, और इसे क्यू तक बढ़ाया गया है, ए सी को आगे बढ़ा दिया है। फिर लिखा है ऑल्सो एंगल पी बी सी लेस देन टू सी बी। देखो पी बी सी का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल, देखो पी बी सी, पी बी सी ये एंगल है, ये लेस देन है किससे, क्यू सी बी से, क्यू सी बी से लेस देन है। यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं, सर गिवन में लिख देंगे एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से छोटा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट, आपको क्या शो करना है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी, ये जो ए सी है ये ए बी से ग्रेटर देन है, ये शो करना है। तो इससे पहले मैंने थ्योरम बताई थी आपको, तो देखो थ्योरम में क्या, ये थ्योरम होती है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड बड़ी होती है, ठीक है। अगर ये एंगल बड़ा होगा तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, ये वाला एंगल इससे अगर बड़ा होगा तो ये इसके अपोजिट साइड ए सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये इसमें देखना हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को हमें बताना है कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसको ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है इसमें प्रॉपर्टी लगेगी और उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले तो ये समझ लो, इधर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर मान लो कोई ट्राइंगल इस तरह से है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल के जो बाहर एंगल बन रहा है उसको एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसके ठीक सामने ये दोनों एंगल जो हैं, अगर मान लो मैं इसको ए और बी मान लूँ और इसको मान लूँ मैं एक्स, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स इजकल टू ए प्लस बी, ये होगी, एक्स इन दोनों के सम के बराबर होगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा तुमने सेवन्थ क्लास में भी याद रखा है, सेवन्थ एट में पढ़ा होगा। अब देखिए, अब तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, देखो तुम्हें इसे सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताऊँगा कि भूलोगे नहीं, तुम्हें याद रहेगा, ठीक है ना। क्या तरीका है, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे एंगल पी सी बी, क्या लिखेंगे, एंगल पी सी बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ना, और सबसे पहले तो लिखेंगे बाई बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे जो कि वन बाय एस को, तो लिखेंगे एंगल पी बी सी, अब पी बी सी इधर देखो डायग्राम में, पी बी सी अगर इसको ऐसे देखो तो एक्सटीरियर एंगल है ना, इस एंगल के हिसाब से ए बी सी के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल है पी बी सी, तो ये किसके बराबर होगा, ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो हम एंगल पी बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ये वाला एंगल किसके, इसका ये एंगल कैसे लिखेंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस, और ये एंगल कैसे लिखेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ तक हो गया। और अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिख लेंगे नेक्स्ट टाइम, किसको लिखेंगे, क्यू सी बी को, यानी क्यू सी बी ये रहा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से चल रहा है अभी, तो इसमें ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ जाएगा, एंगल क्यू सी बी, यानी हमने कहाँ से, यहीं से शुरुआत करनी है, इसको लिखा फिर इसको लिखा। अब क्यू सी बी के लिए कौन सा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, देखो ये एंगल है तो ये और ये दोनों एंगल जो है इसका, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो इस एंगल को अपन क्या, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, ए बी सी, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, और इसको कैसे लिखेंगे, बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब देखिए इसकी वैल्यू ये रख दो, इसकी वैल्यू ये रख दो, जैसा सिंबल है वैसा सिंबल रहने दो, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो नाउ ये हमें गिवन था, हमें
ये देखो ये दोनों कैसे हैं, इसी कंडीशन में अगर हम इसको लिख दें, देखो पी वी सी की वैल्यू कितनी है ये, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखो इसकी जगह पे ये पूरा लिख दो एंगल, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो थोड़ा ठीक रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिखो, क्योंकि हम इसका भी तो यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को इसी की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, और ये जो सिंबल बना है लेस देन का ये लिख देंगे, और क्यू सी बी की जगह ये लिख देंगे, तो ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हमें लाना क्या है, देखो हमें लाना है ए सी ग्रेटर देन ए बी, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखना ही यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल मिल रहा है, ये एंगल देखो बी ए सी और बी ए सी, ये समझ में आ रहा होगा, देखो एक जैसे हैं दोनों एंगल बी ए सी बी ए सी, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, ये इनइक्वलिटीज वाले क्वेश्चन और इक्वल टू वगैरह होते हैं उनमें, अगर यहाँ इक्वल टू होता है तो क्या होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, इसमें भी कैंसिल कर सकते हो तुम, ठीक है, हालांकि कैंसिल किया नहीं जाता, अगर कोई इसमें अगर स्कूल में अगर मना करते हैं तो कैंसिल मत करना, इसमें एडिशन कर देना दोनों तरफ किसका, माइनस एंगल बी ए सी का एडिशन कर दो तो भी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो बचा उसको देख लो, क्या बचा है, एंगल ए सी बी लेस देन एंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल और लिखना था, लेस देन एंगल, ठीक है, तो ये लिख लिया। अब ए सी बी, ए सी बी देखो इधर यहाँ पे, ए सी बी ये वाला जो एंगल है वो किससे छोटा है, ए बी सी से इससे छोटा है, मतलब ये वाला एंगल बड़ा है ना, तो इसको इधर लिख लो, एंगल ए बी सी बड़ा है एंगल ए सी बी से, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन, तो अब जब ये वाला एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी, ए सी, ये साइड बड़ी हो जाएगी, देखो ए सी ग्रेटर देन, और इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी, ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट, ठीक है, इस तरह लिख दोगे, और यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, प्रूफ इसे एक बार और देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना था, ये तो हमें गिवन था, इसको हमने लिख लिया एंगल पी सी बी और लेस देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है, ये गिवन था, और यहीं से स्टार्ट करना और ये लाना है आपको, तो ए सी जो है ग्रेटर देन ए बी लाना है, तो ये लाइन बड़ी कब होगी, जब ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाली साइड के दोनों एंगलों का सम होता है, ठीक है। तो अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, तो पहले हम इसको लिखेंगे एंगल पी बी सी को, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यानी पहले इसको लिखेंगे, और पी बी सी क्या है, देखो इधर पी बी सी एक्सटीरियर एंगल है इसका एंगल का ए बी सी का, तो पी बी सी इस वाले और इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसको कैसे लिखेंगे ए बी ए सी, और इसको कैसे लिखेंगे ए सी बी, तो देखो बी ए सी ए सी बी लिखा, इसके बाद क्या किया है, ये वाला ले लिया हमने एंगल क्यू सी बी, ठीक है, ये वाला क्यू सी बी, और इसके अपोजिट साइड ये और ये एंगल बराबर होंगे, इस एंगल को कैसे लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी भी लिख सकते थे, ठीक है, और इस वाले को ए बी सी, तो वही लिखा है, देखो ए बी सी और बी ए सी। इसके बाद हमने क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया था, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तीनों का यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो इसकी जगह पर ये इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो इसकी जगह पर ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इस क्यू सी बी की वैल्यू कितनी है ये, तो क्यू सी बी की जगह पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और बीच में ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, बी ए सी और बी ए सी एंगल, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये बचा जो, वो ये बचा ए सी बी लेस देन ए बी सी, तो ए सी बी तो ये एंगल है ये वाला, ठीक है, ये एंगल है, और ए बी सी एंगल ये वाला है,
तो ये एंगल इस तरफ, ये देखिए इस तरफ है, तो इसका मतलब ये ए बी सी बड़ा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया एंगल ए बी सी बड़ा है ग्रेटर देन है इससे ए सी बी से। जब ये एंगल ग्रेटर देन है तो इसके अपोजिट साइड ए सी बड़ी होगी, इससे इसके अपोजिट साइड से इसकी नीचे अपोजिट साइड क्या है ए बी, तो इस तरह से। और ये लिख देना साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है।